So students, we were studying the topic PBR322, that is a cloning vector. And in that vector, when we inserted the gene, inserted that DNA segment, the foreign DNA segment, which we want to introduce and want the copies of that, that segment is introduced at the region of BAM-H1, and that is a tetracycline resistant region. Okay, so just look at it. So recombinant plasmid hoga aapka, wo kya hai? That lowers the tetracycline resistance, क्योंकि अब tetracycline resistant नहीं रहा वो. क्यों नहीं रहा? Because insertion of foreign DNA. Foreign DNA को insert हमने कहाँ किया था? Tetracycline resistant portion पे, ठीक है? But they have the ampicillin resistant, because लेकिन वो वाला तो उसका अभी भी रहता था, क्योंकि जो हमने plasmid लिया था PBR322, उसमें दो चीजें थी. एक वो tetracycline resistant था, दूसरा वो ampicillin resistant था, ठीक है? लेकिन अब हमारे इंसर्शन की वजह से, क्योंकि हमने इंसर्ट जो किया दैट इंसर्टेड एट टेट्रासाइक्लिन रीजन, ओके, तो उसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन है वो तो हमारा लॉस हो गया, बट स्टिल दैट प्लास्मिड इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. ओके, नाउ हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई इट? आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेंट, जो हमारा अब जो चेंज हो चुका है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले हम शू कराएंगे ग्रो एम्पिसिलिन मीडियम पे. अब एम्पिसिलिन पे तो वो ग्रो कर जाएगा, बिकॉज अभी भी उसकी रेजिस्टेंस बार है, ठीक है? आफ्टर ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन मीडियम वी विल ट्रांसफर दोज बैक्टीरिया ऑन द टेट्रासाइक्लिन मीडियम. तो मतलब हमने यहाँ क्या लिया है, एक पैट्री डिश ली, उस पैट्री डिश में हमने पहले डाला एम्पिसिलिन. एम्पिसिलिन पे वो बैक्टीरिया ग्रो हो गया, बिकॉज वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की पार थी उसकी. फिर उसी प्लेटिंग के जो बैक्टीरिया है उसको हमने ट्रांसफर किया दूसरे पे. यहाँ जो हमारा मीडियम था वो था टेट्रासाइक्लिन, लेकिन जो ये बैक्टीरिया थे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं थे, क्योंकि वो अपनी जो पार है वो लॉस कर चुके हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो वो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करेंगे, नो बैक्टीरिया विल ग्रो, ठीक है? सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वी हैव टू डू टू प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, फर्स्टली ऑन द एम्पिसिलिन वन एंड द सेकेंड ऑन द टेट्रासाइक्लिन वन. ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. लुक एट हियर, डिसएडवांटेज क्या है? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ कम्बरसम प्रोसीजर. क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग रिक्वायर्ड है. दो प्लेट्स रिक्वायर्ड है, एक एम्पिसिलिन वाली और दूसरी टेट्रासाइक्लिन वाली, ठीक है? तो ये हो गया डिसएडवांटेज. अब इस डिसएडवांटेज को प्रूव करने के लिए, ये क्योर करने के लिए एक नया वैक्टर आया, दैट इज PUC8, ठीक है? PUC8 बोलते हैं इसको. अब PUC8 को अगर आप देखो स्ट्रक्चर ध्यान से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PUC8. ये जो रीजन है दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है आपकी, और जो ये रीजन है That is coding the lac-zat beta-galactosidase. ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे वर्क करता है और उसको एक ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाने में हेल्प करता है. मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, दैट एंजाइम वर्क ऑन बीटा गैलेक्टोसाइड सबस्ट्रेट, ठीक है? उस पर वर्क करने के बाद वो बीटा गैलेक्टोसाइड जो सबस्ट्रेट उसको वो यूज कर रहा है, उससे एक ब्लू कलर का सब्सटेंस क्रिएट होता है, ठीक है? तो उसको से क्या होगा, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो कलर्ड हो जाते हैं. ओके, और ये आपके सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, EcoR1, SMA1, BAM-H1, SAL1, PST1 एंड HIND3. दीज ऑल आर द रेस्ट्रिक्शन साइट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग PUC8? बिकॉज एज वी सेड सम डिसएडवांटेजेस आर देयर इन द केस ऑफ PBR322. सो व्हाट इज सो स्पेशल इन PUC8? उसके लिए हमें क्या करना है, इसका एडवांटेज क्या है? पहला है हाई कॉपी नंबर, इसमें जो कॉपी नंबर प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा. सेकेंड, इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट को. कैसे कर सकते हैं? बाय सिंगल स्टेप. सिंगल स्टेप से कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या करना है, प्लेटिंग करनी है. जैसे सेम प्लेटिंग हमने उसमें की थी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की, सेम प्लेटिंग हम इसमें करेंगे. लेकिन यहाँ प्लेटिंग यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मीडियम लेंगे वो एम्पिसिलिन एंड एक्सगेल वाला. एक्सगेल क्या है? क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट जो आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज दे रहा था. किसकी वजह से? इस एंजाइम की वजह से, ठीक है? अब हमें आइडेंटिफाई करना है कॉलोनीज को, तो दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं इसमें, ब्लू और व्हाइट सिलेक्शन. ओके, जैसे पहला है प्लास्मिड डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट. कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो कलर शो करके अपने आप को शो कर देगा कि रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट का. कैसे? अब यहाँ हमने क्या किया, जो डीएनए हमने इंसर्ट किया है वो हमने किया है इस रीजन पे, ठीक है? ये वाला रीजन जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला था, यानी कि जो ये वाला था, ठीक है? अब जब हमने यहाँ इंसर्ट किया तो जो ये एंजाइम है वो वर्क नहीं करेगा,
ठीक है, ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा। अब ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो जो ये प्लाज्मिड था जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया कलर्ड होता था वो कलर नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें क्या है, जो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ये रिस्पॉन्सिबल था ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाने के लिए, अब इंसर्शन की वजह से ये एंजाइम हो गया इनएक्टिव, और इसके इनएक्टिवेशन होने की वजह से क्या हुआ, अब ब्लू कलर की कॉलोनीज फॉर्म नहीं होंगी। अब जो ब्लू कलर की कॉलोनीज फॉर्म नहीं होंगी तो क्या चीज होगी, ये देखो यहाँ पे जो डीएनए इंसर्ट किया हमने कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ इंसर्ट करने की वजह से क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। कौन इनएक्टिवेट होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये इंसर्ट अगर हम यहाँ करेंगे, देखो हमने इस साइड से कट किया, यहाँ साइड से कट करने के बाद हमने अपना फोरन डीएनए यहाँ डाला। अब जो फोरन हमने यहाँ डाला है तो जो एंजाइम, जो ये रीजन, जो ये जीन कोड कर रही थी इस एंजाइम के लिए, वो कोड नहीं कर पाएगी। कोडिंग नहीं होगी तो ये एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। तो वही चीज हुई, डीएनए इंसर्ट जब हमने किया कोडिंग सीक्वेंस में, तो वस्तु से क्या हुआ, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और इनएक्टिव होने की वजह से, इनएक्टिव कैसे हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ डीएनए इंसर्ट किया है और इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिवेशन हो गई है। सो जो रिकॉम्बिनेंट है विल नॉट डेवलप कलर, रिकॉम्बिनेंट जो है वो कलर डेवलप नहीं करेगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो डेवलप कर लेगा। बिकॉज जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें कोई हमने यहाँ इंसर्ट ही नहीं किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है उसमें, एक्टिव है, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पक 8, यहाँ आपने देखा कि जो आपका पक 8, जो हम ये पीयूसी 8 वाला यूज कर रहे हैं, इसमें हम एक सिंगल स्टेप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बट जो हमारा पीबीआर 322 था, पीबीआर 322 के लिए हमें क्या करना पड़ा था, दो प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, एक प्लेट दो प्लेट। ये प्लेट में हमने एम्पिसिलिन लिया था एज अ मीडियम, इसमें लिया था हमने टेट्रासाइक्लिन, राइट। बट यहाँ क्या है, हमें सिर्फ एक सिंगल प्लेट से, हमें एक सिंगल स्टेप से सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, और बिल्कुल जो रिजल्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि एक में कलर आएगा दूसरे में कलर नहीं आएगा। तो इसको ज्यादा आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको वो कलर दिख रहा है तो दैट मीन्स वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और अगर कलर नहीं दिख रहा तो वो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट क्या हुआ था, एडिशन कहाँ किया था हमने, यहाँ पे, और हमारी जो जीन है वो क्या हो गई थी, इनएक्टिव। ओके okay?